शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 142 केंद्रों पर कुल 12,219 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 2,772 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 9,447 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि अब तक 24 लाख लोगों को फर्स्ट डोज तथा 10,53,000 से अधिक लोगों को सेकेंड डोज लगाए जा चुके हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 का पालन करते हुए वैक्सीनेशन कराएं। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी अस्पताल एवं जिला अस्पतालों में फ्री में वैक्सीनेशन किया जा रहा है तथा गांव-गांव में टीका वाहन चलाकर लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, सदर मुझे तो सब बात करते हैं। अरे वही सही है। हेलो, रगड़ी मत, रगड़ी मत। आज हमारे जनपद में 142 लोगों का टीकाकरण चल रहा था। आज अभी तक हमने 34,93,000 से ज़्यादा टीके लगा चुके हैं, उसमें से 24 लाख फर्स्ट डोज और 10,53,000 सेकेंड डोज लगाए हुए हैं। सर, जनता से क्या? जनता से हमारी अपील है कि कोरोना वैक्सीनेशन हमारे सभी अस्पतालों में, सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चल रहा है। अभी तो हमारी टीमें गांव-गांव भी भ्रमण कर रही हैं, कुछ हमारी टीका वहने हैं वो भी गांव में जा रही हैं। तो जो लोग भी फर्स्ट डोज से या सेकंड डोज जिनका ड्यू हो रहा है या ड्यू हो चुका है, वो जितना भी समय बीत गया है, वो अगर सेकेंड डोज नहीं लगवाए हैं तो हमारे सेंटरों पर आएँ और अपना टीकाकरण कराएं। किन्हीं कारण से अगर उन्होंने दोनों डोज लगवा रखा है और पोर्टल पर कोई एंट्री नहीं हुई है, तब भी वो अपना मोबाइल नंबर जिससे उन्होंने टीकाकरण कराया है जिस नंबर से, और आधार कार्ड लेकर के उन्हीं सेंटर पर चले जाएं जिन सेंटरों पर उन्होंने टीका लगवाया है, और अपना वेरिफिकेशन करा करके अपनी सर्टिफिकेट जनरेट करवा दें।